वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई मेरा नाम है दिलीप यादव और आज हम बात करने वाले हैं पल्सर 150 की और इसका ये न्यू वेरिएंट है 2024 में जो लॉन्च हुई है। और शुरुआत अगर मैं इसकी की से करूँ ना तो की कुछ इस प्रकार की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। डोल की इसमें आपको दी जाती है, इसमें आपको सिंपल सी की देखने के लिए मिलती है। अब मैं फ्रंट सेक्शन से शुरू करता हूँ। फ्रंट में जो है आपको रेड एंड कार्बन एंड फिनिश देखने के लिए मिलेगी बजाज के लोगों के साथ। इतना बड़ा आपको फ्रंट देखने के लिए मिलता है। उसमें अगर बल्ब हेडलाइट की बात करता हूँ तो जो है आपको हैलोजन बल्ब देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर नीचे की बात करूँ तो आपको इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। उसके ऊपर आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है, कुछ कुछ कार्बन फिनिश की, फेक कार्बन फिनिश इसको कह सकते हैं। वहीं अगर फ्रंट टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क ब्रेक मिल जाती है बड़ी सी, उसके अंदर आपको एक रिफ्लेक्टर और इसमें आपको MRF के टायर दिए जाते हैं जिसका साइज रहने वाला है 90/90/17, मतलब 1919 17 इंच का पूरा टायर सेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। रेड कलर की जो है पूरी टेपिंग मिल जाती है। ये जो है आपको रिफ्लेक्टर का भी ये वर्क करेगी, रात को जो है ये चमकती है। वहीं बात कर लेते हैं साइड में तो आपको दो इंडिकेटर दिए जाते हैं, वो भी आपको बल्ब में मिलते हैं दोनों ही कुछ इस प्रकार के। और साइड पोर्शन की अगर बात करूँ तो इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। और की लगाते हैं इसके अंदर, यहाँ से बात शुरू करते हैं तो इस प्रकार के आपको मिरर मिल जाता है। यहाँ से आपके जो मीटर की सारे ही आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, मोड आपको यहाँ से चेंज करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, इस प्रकार का हॉर्न मिलता है, हॉर्न का जो साउंड है एक नंबर का देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं अगर बात करते हैं मेन क्लस्टर की तो आपको डिजिटल मिलने वाला है। इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, RPM वगैरह, मीटर वगैरह और सारी चीज़ में देखने के लिए मिल जाएगी। एवरेज वगैरह सारी चीज़ में आपको देखने के लिए मिल जाती है, पूरा ही डिजिटल देखने के लिए मिलेगा। साइड पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो ऑन ऑफ करने के लिए, और साउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो जो है इसका साउंड है, एक सेकेंड, जो इसका साउंड है उसकी बात करते हैं इस प्रकार का जो है आपको साउंड देखने के लिए मिलेगा, साउंड देखने के लिए मिल जाता है। और कुछ इस प्रकार के देखने के लिए मिलने वाले हैं आपको, और यहीं आपको जो है क्लिच एंड ब्रेक दोनों चीज़ इस प्रकार के देखने के लिए मिलेगी। 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, E20 को भी ये सपोर्ट करता है। पल्सर सैटर्न सिल्वर में आपको जो है पल्सर लिखा हुआ मिल जाता है। रेड कार्बन की कुछ फेक डिजाइन सी देखने के लिए मिलेगी, उसमें आपको व्हाइट कलर की, मतलब ग्राफिक टोटल मिला के 155 लिखा हुआ मिल जाता है पूरे फ्रंट इसमें, और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रहने वाला है। डुअल आपको जो है इसकी सीट जो है आपको दो हिस्सों में देखने के लिए मिलने वाली है, फ्रंट की अलग और पीछे की अलग। यहाँ पे आपको 150 लिखा हुआ, रेड कलर की टेपिंग पूरी आपको कवर देखने के लिए मिलती है। वहीं बैक प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ तो ग्रे हैंडल कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, और बैक प्रोफाइल में आपको लाइट जो है इस प्रकार की देखने को मिलती है पूरी व्हाइट कलर की। यहाँ पर रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की जगह दो आपको जो है यहाँ पे इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। बैक में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख सकते हैं। टायर सेक्शन की बात करूँ तो कुछ ये वाला टायर जो है साइज इसका चेंज है, 120/80/17 इंच का पूरा टायर सेक्शन रहने वाला है, वही रेड कलर की टेपिंग के साथ। MRF का टायर इसमें आपको जो है दिया जाता है, बट इसमें आपको जो है कोई भी किक ऑफर नहीं करी जाती। दो आपको पैडल्स मिल जाते हैं इस प्रकार के, और नीचे आपको दो जो है इसमें स्टैंड भी ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेक मिल जाता है। और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करता हूँ तो 150 cc का आपको इंजन मिलता है, 4-स्ट्रोक 12 ट्विन स्पीक BS5 कंप्लीट इंजन, DTSI i5 आपको इंजन जो देखने को मिलेगा, 1 सिलेंडर जो आपको 14 PS की पावर निकाल के देगा और 13 N का टॉर्क निकाल के देगा। माइलेज की बताओ तो 47 का जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है। आपको ये जो है कोई भी आपको कूलिंग वाला सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता, पर इंजन गार्ड वगैरह आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं प्राइस वगैरह की, प्राइस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। तो जो है प्राइस इसका रहने वाला है दिल्ली ऑन रोड 1,15,418 रुपये आपका एक शोरूम पड़ने वाला है, और RTO 9,233 रुपये, इंश्योरेंस में 7,000 रुपये का टोटल मिला के ऑन रोड प्राइस जो पड़ता है 1,31,653 रुपये का। तो ये थी मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी जो सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।